हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से और एक नया ब्लॉग पे। तो दोस्तों, हम सुबह सुबह आज जल्दी ही उठ गए हैं और हमने पूरा पोछा झाड़ू सब कुछ लगा के पूरा रेडी कर दिया है। यहाँ पे मेरी छोटा भाई और बहन कंबल ला रहे हैं क्योंकि आज धूप निकला है, तो इसीलिए इन लोग कंबल वॉश कर रहे हैं। और ये आ चुका है मुंह धुलाने के लिए। मैं ऑलरेडी मुंह धुला दिया अपना। तो फिर क्यों आया है? इन लोग को देखने के लिए। कैसा लग रहा है भाई बहन? हाँ दोस्तों, कपड़ा वगैरह भी वॉश कर लिया है हम लोगों ने। यहाँ पे पापा ने एक बेम्बू लेके आया है, वो भी मछली बनाने के लिए। आज हम लोग बनाएंगे, इसमें बनाएंगे क्योंकि रोज एक ही स्टाइल में अच्छा नहीं लगता खाना, तो आज अलग से बनाएंगे, बेम्बू में बनाएंगे मछली। तो यहाँ पे मम्मी ने खीर बना दिया है बच्चों के लिए, वो स्कूल लेके जाएगी खीर। और बहन इसमें क्या बना रही हो? आलू का सब्जी। इसमें आलू बना रहे हैं। और ये है मछली, कल बेतुल जी ने और चाचू मिलकर दोनों नदी में गए थे मछली मारने के लिए, फिशिंग करने के लिए। तो उन लोग को बेतुल का हिस्सा ये है, उसकी मम्मी पापा के लिए भी रख दूंगी मैं। दो हिस्सा होगा ये, हम लोग का एक हिस्सा और बेतुल का मम्मी पापा का एक हिस्सा। और इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची और अदरक भी दे दिया है और प्याज सब कुछ दे दिया है। और बाकी है लिपेन एप्पल। और बहन लिपेन एप्पल काट रही है, कैमरामैन नहीं है ना, इसीलिए नहीं तो मैं खुद कर लेती। आज बहुत ही टेस्टी बनेगा क्योंकि बहन भी इसमें हाथ बता रही है। और इसमें ऑयल भी डाली है बहन ने और अच्छी तरह से मिक्स कर रही है। ये तो कुकिंग हो रहा है और खाएंगे अंडा मिर्ची के साथ। फाइनली कंप्लीट। और होगा अंदर पे ना, देखते हैं। तो समझ।
यहाँ पे अंडा बन रहा है मिर्ची के साथ। ये अंडा बहन खाएगी क्योंकि ये मछली मीट वगैरह कुछ भी नहीं खाते है 3 महीना के लिए धर्म के मारे। तो हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ पे आए हैं दवाई मारने के लिए। बेतुल जी को देखो काम पे लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे खेती करेंगे हम लोग, आलू वगैरह लगाएंगे, ऐसे सीम वगैरह सब कुछ करेंगे और क्या क्या मूली क्या खेत और बहुत सारा करेंगे। तो ये भी खाएगा ना साथ में, मिलकर ही खाएंगे, तो इसलिए इसको काम दवाई मारने के लिए कह रही हूँ मैं ना। दोस्तों ये सब जमीन मेरा मामा जी का है, हमने मामा जी से मांगा था, तो यहाँ पे सरसों सब कुछ करेंगे मामा जी, तो हमको यही दे दिया मतलब इस साल खाने के लिए कुछ सब्जी लगाने के लिए दे दिया है। तो गाइस दवाई भी अभी थोड़ा सा मरना बाकी है, वो भी अभी ऐसे 5 मिनट भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम नानी का घर पे चले जाते हैं, वहाँ पे है पीछे में जो दिख रहा है नानी का घर वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाएंगे कुछ सब्जियाँ ढूंढेंगे नानी से। नानी बहुत ही ज़रा सब्जियाँ करती है, सब्जी की खेती करती है। नानी का घर पे तो कोई भी नहीं है, एकदम ताला लक है, तो यहाँ से कुछ सब्जी ढूंढते हैं हम। तो गाइस हम लोग दवा मार के भी आ चुके हैं और हमने आते ही तुरंत नहा लिया है क्योंकि बहुत ही ज़रा गर्म लग रहा था। और यहाँ पे मम्मी पम्पकिन का साग साफ कर रही है, आज खाएंगे पम्पकिन और पम्पकिन का साग। और आते समय हमने बैगन भी लेके आया था थोड़ा सा बस। और दोस्तों मैं अभी छोटा छोटा करके हेयर कट करूँगी, ज़्यादा नहीं बस इतना ही इतना। अरे ये बनेगी मेरा क्या बोलते हैं नाबित नाबित गाल कंगी और कैची। हमने बस थोड़ा सा काट लिया है इतना इतना क्योंकि दुई मुखी ना क्या बोलता है वही हो गया था मेरा बाल, तो इसीलिए। और चूल वगैरह भी हम लोग काट लिया है, यानी कि मैं काट लिया हूँ। तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर रखा हुआ बैगन जो मैं नानी का घर से लेके आई थी। खाना बनाने के लिए पहले मैं आग जलाऊंगी, पूरा गंदा हो चुका है क्योंकि हम लोग सुबह बिम्बू सूत में मछली बनाए थे और पानी यहाँ पे गिर गया था, तो इसी के कारण ये सब हो गया है। और यहाँ पे मैंने आग भी जला लिया है और यहाँ से निकालते हैं ड्राई फिश सब्जी बनाने के लिए। और इसमें हमने नमक हल्दी मिर्ची ड्राई फिश भी दे दिया है। आएंगे ये पम्पकिन का बच्चा और बैगन के साथ। पम्पकिन का बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है गाइस, आप लोग भी एक बार खा के देखिए। और मैंने पहले से ही पम्पकिन दे दिया है इसमें और बाकी है ये बैगन, और बैगन भी दे दिया है। बैगन का सब्जी भी रेडी हो चुका है, हमने बाहर निकाल लिया है। अभी बनाएंगे या पम्पकिन, ये भी बॉयल होगा लेकिन इसमें ड्राई फिश कुछ ऐसा कुछ नहीं डालेंगे, बस नमक के साथ बनाएंगे। इसका साथ बनाएंगे पम्पकिन का साग के साथ। पम्पकिन उबल रहा है, जब भी हम लोग बनाते हैं पम्पकिन को ही पहले बनाते हैं, यानी कि पहले गर्म करते हैं। और साग और एक ही साथ में दे देंगे तो ये
पम्पकिन का साग बहुत ज़्यादा वो नरम हो जाएगा, इसीलिए पहले इसको बनाते हैं हम लोग। तभी ये थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ा पक जाता है तब इस साग को यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने खाना भी बना लिया है, वो भी साग भी रेडी हो चुका है। बहन तो खाना निकाल के खाना भी खा रही है। तो दोस्तों हम लोग खाना भी खा चुके हैं, तो आज के वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो गुड नाइट और बाय बाय भी।